नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे सीसीटीवी में कैद, घर से निकला और ऑटो में बैठकर हुआ रफू चक्कर। प्रवासियों को मिलेगा मुफ्त आवास, जरूरतमंदों को नवम्बर तक मुफ्त राशन, जावेडकर। LAC पर कम हुआ तनाव, अब पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक, लिए गए अहम फैसले। पानीपत में एक दिन पहले लापता 3 बच्चों के शव माइनर में मिले, ड्राई हाउस के मैनेजर पर हत्या का आरोप। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, विभाग छिपा रहा आंकड़े। बुधवार सुबह सेक्टर 20 के एक ही परिवार के पाए गए 3 संक्रमित। महिला से हुई जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, पुलिस मामले की जांच में। बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना हुए साइकिल के दीवाने, बोले चंडीगढ़ में साइकिल चलाने का आनंद ही कुछ अलग। खबरें विस्तार से। कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में गुरुवार देर रात 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के फरीदाबाद के एक होटल में देखे जाने का मामला सामने आया है। इसी बीच फरीदाबाद पुलिस के एक हाथ महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें एक संदिग्ध शख्स नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये विकास दुबे हो सकता है, जो अंगूर के घर के आसपास ऑटो में बैठकर आगे कहीं जा रहा है। केंद्र कैबिनेट की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में कृषि क्षेत्र, इंश्योरेंस क्षेत्र समेत गरीबों व जरूरतमंदों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। भारत और चीन की सीमा पर तनाव कम होता जा रहा है। भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव खत्म हो गया है। चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। इससे पहले गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तनाव कम हुआ था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पिछले हफ्ते की गई घोषणा को औपचारिक रूप देते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को पंजाब के कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के PCS उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के CM के फैसले को मंजूरी दी। इसी के साथ पंजाब कैबिनेट अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। पानीपत के भिंजौल गांव से मंगलवार देर शाम लापता हुए 3 बच्चों के शव रात करीब 3 बजे माइनर से मिले हैं। मृतक के परिजनों ने बुधवार सुबह पास स्थित एक ड्राई हाउस के मैनेजर पर तीनों बच्चों की हत्या का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ के सेक्टरों से लगातार कोरोना मरीजों का आना जारी है। बुधवार सुबह सेक्टर 20 से एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 53 साल की एक महिला और 44 व 59 के 2 पुरुष शामिल हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 495 तक पहुंचा। थाना 17 क्षेत्र के अंतर्गत बेहद शर्मनाक घटना हुई। इस घटना में सेक्टर 17 स्थित अस्थायी सब्जी मंडी में बुधवार सुबह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फल आड़ती और एक अन्य ने सरेआम महिला के बाल पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाल में पंचकुला में आशियाना तलाशने वाले बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना आजकल अपने नई दीवानगी को लेकर चर्चा में है। इन दिनों आयुष्मान चंडीगढ़ की सड़कों पर साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर साइकिलिंग को प्रमोट करते हुए कहा कि साइकिलिंग करना बेस्ट एक्सरसाइज है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।